ओम शांति ओम ओम वर्तमान समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों को अनेक शिक्षाओं से संवारा है सजाया है ताकि हर बच्चे संपूर्णता को प्राप्त करें संपूर्ण स्थिति का अनुभव यहाँ ही करे ये बाबा की चाहना है हम सभी आज की बाबा की मुरली सुन रहे थे तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि पिता को याद करना कोई सिखाया नहीं जाता है कोई कहे कि मुझे योग करना सिखाओ तो बाबा कहे याद करना कोई सिखाया जाता है क्या और जितना जितना हमारी बुद्धि याद के गहन अनुभूति में चलती जाएगी तो बाबा स्वयं ही बहुत सुंदर अनुभव कराने लगते हैं। या वो स्थिति ही हमें उस गहन अनुभव को रियलाइज करने की क्षमता प्रदान करती है बाबा ने साकार रूप में हम सभी बच्चों की पालना 1936 से लेकर के 1969 तक किया अर्थात 33 साल साकार में साकार मिलन का अनुभव हम सभी ने किया या हमारी जो आदरणीय दादिया थी उन्होंने किया 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए तो बाबा ने पूरी रूपरेखा हम बच्चों के सामने रखी कि बाबा के साथ मिलन का अनुभव तो होता ही रहेगा और यह भी बाबा का वायदा है कि अंत तक ये मिलन होता रहेगा बाबा बंधा हुआ है उसके लिए स्वरूप परिवर्तन जरूर होगा लेकिन मिलन अंत तक रहेगा या बाबा का साथ का अनुभव अंत तक रहेगा ही रहेगा तो 1969 के बाद जो रूपरेखा परिवर्तित हुई साकार में अव्यक्त मिलन का अनुभव शुरू हुआ अव्यक्त बाप दादा की पदरामणी होती रही अव्यक्त महावाक्य को हम सभी ने सुने और साकार में अव्यक्त मिलन का अनुभव कितने साल पचास साल बाबा ने वो अनुभव कराया परंतु अब रूपरेखा और परिवर्तित हो रही है बाबा का साथ और हाथ तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अब बाबा चाहते हैं कि साकार में बहुत साल पालना हो गई हर बार बाबा आते रहे और हम बच्चों को किसी न किसी विधि से ये बताते रहे कि बच्चे साकार में फिर भी कई लिमिटेशंस है रथ की भी लिमिटेशन है समय की भी लिमिटेशन है स्थान की भी लिमिटेशन है बच्चों की इस तरह की वृद्धि जो हो रही है ये भी एक प्रकार के लिमिटेशन को क्रिएट करता है और इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही प्रेरणा देते रहे कि बच्चे आप सब अव्यक्त वतन में आ जाओ अव्यक्त वतन में कोई लिमिटेशन नहीं है बाबा बार बार निमंत्रण देता रहा कि सूक्ष्म वतन में आओ वहां अव्यक्त मिलन का अनुभव करो जितनी देर बाबा के साथ बैठ करके मिलन मनाना चाहो बाबा आपके लिए फ्री है बाबा के पास आपके लिए पूर्ण समय है लेकिन हम बच्चे इतने आदती हो गए साकार मिलन के कि यही मान लिया कि बाबा तो बच्चों के स्नेह में आता ही रहेगा इसलिए हमने प्रयास किया ही नहीं कि हम अव्यक्ति मिलन के अभ्यासी बने तो इसीलिए रथ भले है बॉम्बे में लेकिन अब जो विधि बाबा ने परिवर्तित की है कि हर बच्चे अव्यक्त वतन में आ जाए अंतिम समय से पूर्व बाबा हम बच्चों को ये अभ्यास विशेष कराना चाहते हैं और इसीलिए रथ का पार्ट अपना है लेकिन अब बाबा कहे जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे वो इस मिलन का बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे क्योंकि अभी भी बाबा की लिफ्ट हम बच्चों को बहुत सहज रीति से उपलब्ध होगी लेकिन जो एक कदम भी हिम्मत रखते हुए पुरुषार्थ करेगा तो बाबा हजार गुना मददगार बन करके उस अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से कराएगा हा एक कदम हमें उठाने की आवश्यकता है तब बाबा अनुभव कराने के लिए भी बंधा हुआ है कई बार बाबा कहते हैं साकार मुरली में भी के मातेले और सौतेले बच्चे हैं इसी तरह ब्राह्मण जीवन में भी असली नकली स्पष्ट हो जाते हैं कि जो सिर्फ आते रहे बस बाबा आता है आता है आता है करके और उन्हें पुरुषार्थ करने की इच्छा या तमन्ना नहीं है तो बाबा भी उसके लिए मदद के लिए बंधा हुआ नहीं है लेकिन जो असली बच्चे हैं जो पुरुषार्थ में रुचि रखते हैं तो उनके लिए बाबा भी बंधा हुआ है क्योंकि नंबर तो इसी आधार पर बनना है ब्राह्मण बन गए यही सब कुछ नहीं है लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद अव्यक्ति मिलन का अनुभव करने का सर्वप्रथम आधार है कि इतना बाबा के साथ गहरा स्नेह प्यार जितना बाबा के साथ हमारा गहरा प्यार है तो खेच होगी अंदर से कि बाबा ने इतना साल हम बच्चों की पालना साकार में की अब बाबा की एक ही चाहना है कि बच्चे अव्यक्त वतन में आए तो क्यों नहीं हम बाबा की ये आश को भी पूरी करें और अव्यक्त मिलन का अनुभव अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्थिति के माध्यम से करें तो जितना गहरा बाबा के साथ हमारा स्नेह है प्यार है ये हमें उस स्थिति में ले जाने के लिए विशेष आधार बनेगा क्योंकि सूक्ष्म वतन संगम युग की रचना है और ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए आरंभ से बाबा ने कई मुरली में ये बात बताई है कि सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है वो दुनिया है ही मिलन के अनुभव के लिए जहां शिव बाबा भी आकर के संपूर्ण ब्रह्मा में हम बच्चों के साथ मिलन मनाते हैं संगम युग की स्वेज जिसको कहा जाए ये सूक्ष्म वतन में ही होती है और ये मिलन का अनुभव कराने के लिए ही है इस दुनिया में अगर परमिशन है जाने की सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्राह्मणों को है भक्त भी नहीं जा सकते हैं भक्तों को साक्षात्कार हो सकता है लेकिन सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकते लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं को यह सौभाग्य है कि हम अपने बुद्धि बल से सूक्ष्म वतन में आना जाना सहज कर सकते तो संगम युग की ये कितनी बड़ी लॉटरी है हम बच्चों के लिए कितना बड़ा उपहार है भगवान का कि जब चाहो तब आ जा सकते हैं वतन में और बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं लेकिन सूक्ष्म वतन में जाने का आधार दूसरा आधार है बुद्धि बल या बुद्धि बल में भी दिव्य बुद्धि जितनी हमने अपनी बुद्धि को दिव्य बनाई है उतना सूक्ष्म वतन में जाना सहज हो सकता है और बुद्धि दिव्य कैसे बनती है तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव व्यर्थ भाव व्यक्त भावनाएं, व्यर्थ भावनाएं, उससे जिसने अपनी बुद्धि को फ्री किया हुआ है उसकी बुद्धि दिव्य बन सकती है अगर व्यक्त बातों में व्यक्त भाव में बहुत सहज हम खींच जाते हैं व्यर्थ की बातों में व्यर्थ चिंतन पर चिंतन पर दर्शन इसमें अगर बुद्धि हमारी लगी रही तो वो अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं कर सकते हैं इसीलिए बाबा ने कई मुरलियों में ये बात कही है कि अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरनी से ऊपर उठना चाहिए तो दिव्य बुद्धि जितनी हमारी बनी है समर्थ बुद्धि जितनी हमारी बनी है उतना ये अव्यक्त मिलन का अनुभव करना सहज हो जाएगा क्योंकि जिस तरह व्यक्त भाव और व्यक्त भावना पर चिंतन पर दर्शन या व्यर्थ चिंतन से अपने आप को मुक्त करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि के अंदर ताकत भरने लगती है व्यर्थ और व्यक्त में बहुत एनर्जी ड्रेन होती है लीकेज बहुत हो जाता है तो जिस तरह से एक फ्लाइट को भी उड़ान भरना है तो बाबा हमेशा मिसाल बताते हैं कि उसमें रिफाइन पेट्रोल डालना पड़ता है थोड़ा भी कचरा आ जाए तो वो उड़ान भर नहीं सकता है वो कचरा इंजन को ये कर देगा और एक्सीडेंट क्रिएट हो जाएगा इसलिए बड़ा रिफाइन पेट्रोल चाहिए ठीक इसी तरह जितनी हमारी बुद्धि रिफाइन होगी ज्ञान के मनन चिंतन से जितना हम बुद्धि को रिफाइन करते जाए तो व्यर्थ की बातों का चिंतन व्यर्थ बातें जिसके अंदर बहुत कचड़ा है तो जितना इस किचड़े से हम अपनी बुद्धि को ऊपर रखेंगे उतना अव्यक्त मिलन करना सहज हो जाएगा और इसीलिए सूक्ष्म में बाबा चक्कर जरूर लगाता है रथ नहीं है तो क्या है बाबा के पास अपना सूक्ष्म स्वरूप तो है ही है जिसके लिए बाबा को कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है और बाबा सहजता से चक्कर लगाता है आता है लेकिन अनुभव वही कर सकता है जिसकी बुद्धि रिफाइंड है सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप में स्थित है और उसके लिए अभ्यास एक दिन पूर्व से ही आरंभ करना जरूरी है मैंने कल जैसे बाबा का अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है अव्यक्त स्थिति के द्वारा तो आज से ही अपनी बुद्धि को कम से कम एक दिन पहले तो करें जितना हम साइलेंस में अपने आप को रखेंगे क्योंकि जितनी व्यर्थ बातें चलती है भाई कमरे में है भोजन पर है व्यर्थ की बातें चल रही है अच्छा व्यर्थ ना भी हो व्यक्त की बातें चल रही है कोई मिल गया कैसे है क्या है कैसे हो, हाँ ये आजकल एक और माया बहुत सताती है हर एक को वो है सेल्फी लेना जहां जो भी मिला चलो एक फोटो ले लेना एक फोटो ले, ले। अब ये व्यक्त है या अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए मददगार है अभी तक भी अगर बुद्धि व्यक्त की बातों में व्यक्त देहधारियों के साथ उसी में अगर लगे रहेंगे तो अव्यक्त का अनुभव करने में कितनी मेहनत लगेगी सोचो आप फोटो खींचते रहो जब बाहर जाओ तब मधुबन में आए किस लिए आए हैं फोटो खींचने के लिए आए बाग बगीचे हर जगह मिलेंगे लेकिन यहाँ पर भी अगर वही करते रहे तो यहां आने का लक्ष्य और उद्देश्य क्या पूर्ण होगा क्या अनुभव होगा तो इसलिए कम से कम यहां आए हैं अभी समय की समीपता तो देखो दुनिया के अंदर नाजुक समय चल रहा है और अभी भी हम ब्राह्मण व्यक्त बातों में ही है तो उस अव्यक्त का अनुभव कब करेंगे अभी तक भी फोटो में बुद्धि जाती रही जबकि बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व देहधारियों को भी भूलो अपनी देह को भी भूलो और हम सभी किसमें लगे तो यहाँ क्या कल जो अनुभव बाबा कराना चाहता है उसको कर पाएंगे कर पाएंगे तो इसलिए बाबा के घर में आए हैं ये फोटो वोटो वहां भी चलेगा वहां खींचते रहना यहाँ आज से ही अगर कल अनुभव करना चाहते हैं तो एक मेरा निवेदन है आज से ही मोबाइल स्विच ऑफ कर दो रख दो न किसी से व्यर्थ की बातें न व्यक्त के बातों में अपने बुद्धि को लगाओ बुद्धि को अभी से उपराम क्योंकि अव्यक्त स्थिति का अगर अनुभव करना है तो उसका मुख्य आधार है बुद्धि इस धरनी से ऊपर उठ उठ जाए ऊपर उठ जाए जितना अंतर्मुखी बनते जाएंगे क्योंकि अंतर्मुखता विशेष आधार है साइलेंस विशेष आधार है तो इसीलिए का तीसरा आधार अंतर्मुक्ता जितना अंतर्मुखी रहेंगे खाली मुख का मौन नहीं मन का भी व्यर्थ की बातों से मौन मन मनाभाव की स्थिति में जितना स्थित रहेंगे उतना ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना बहुत आसान होगा अंतर्मुखता माना अंदर की गुफा में अपने आप को ले चलो बाहर की बातों से अपने बुद्धि को कोई द्वार खुला न रहे अंदर में ही गुफा में बैठ जाओ आत्म स्वरूप में अपने आप को स्थित करना पड़ेगा पिछले तीन चार सालों से बाबा ड्रिल कराते रहे हम बच्चों को ये बच्चे आ शरीरी पन का अभ्यास करो विद इन सेकंड कितना जल्दी हम अशरी हो जाते हैं ये अभ्यास करते चलो क्योंकि ये जितना अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा तो ये दुनिया की धरनी से ये देह की धरनी से बुद्धि को सहज ऊपर की ओर ले जाएंगे और जो सूक्ष्म वतन हम सबको बाबा ने एक गिफ्ट दिया है अव्यक्ति मिलन के अनुभव के लिए यह अनुभव सहज हो सकेगा इसीलिए बाबा चाहता है कि बच्चे अब अव्यक्त स्थिति के ऊपर अटेंशन दे और अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करे ये प्रवाह फैलाना है हमें जितना इस प्रवाह में रहेंगे तो बाबा जब कल यहाँ पर सूक्ष्म में चक्कर लगाएगा तो उन सब को बुद्धि को बहुत सहज लिफ्ट मिल जाएंगी और बाबा के संग का अनुभव बहुत सुंदर तरीके से आप कर सकेंगे क्योंकि अब नहीं किया तो कब करेंगे यहां मधुबन की धरनी पर नहीं किया तो वहां की धरनी पर हो सकेगा यहां फिर भी तपस्या चलती है तो ये धरनी तैयार है और इसीलिए यहां पर भी अगर स्थूलता की बातों में रहे तो वहां तो होने वाला ही नहीं है कई लोग कहते हैं कि मधुबन जाते हैं वहां पर भी तो स्क्रीन पर ही देखना है तो उसे तो यहां ही टीवी पर हम देख लेवे तो कई लोग आते ही नहीं हैं सोचने की बात है कि कितनी बड़ी एक अज्ञानता में वो रहते हैं कि जो समझते हैं कि बाबा तो आते ही नहीं है कौन कहता है बाबा नहीं आते हैं हर ग्रुप में जो भी भाई बहने आते हैं मैं उनको भी अपन, उनको भी अपन, उनका अनुभव पूछती हूँ आपको महसूस हुआ बाबा आए और हर कोई कहता है कि हाँ बाबा आए, मिलन हुआ हमने अनुभव किया वो कब होता है वो कब होता है वो तब होता है कि जब बुद्धि बहुत सहजता से ऊपर रहती है तब आ, यहां आने के बाद भी कईयों को नहीं भी होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि वो खुद ही व्यक्त में रहे स्थूलता में रहे तो लास्ट मोमेंट अगर अव्यक्त बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या अव्यक्त होंगे तो पूर्व भूमि का बहुत जरूरी है और कम से कम इसीलिए एक दिन पूर्व तो चलो एक दिन पूर्व तो अपनी भूमिका बनाना चालू करो और इसीलिए जितना एक दिन पूर्व भी अपनी बुद्धि को व्यक्त की बातों से मुक्त रखेंगे व्यर्थ की बातों से मुक्त रखेंगे स्थूलता से मुक्त रखेंगे लौकिकता के बातों से परे रखेंगे तभी तो अव्यक्त का अनुभव कर सकेंगे उसके लिए जितना हो सके बीच बीच में एक तो अशरीरीपन का अभ्यास करो चलते फिरते भी ये सोचो कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं आप सभी ने आज दो बजे से अमृत वेला योग किया है और इसीलिए जब ऐसी योग की स्थिति है तो इस योग की स्थिति को कल तक तो कम से कम जारी रखो ताकि आप बहुत सहजता से बाबा का अनुभव या अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको ये अनुभव भी बाबा हमें क्यों देना चाहता है अब तक तो साकार में अव्यक्त मिलन किया लेकिन अब अव्यक्त में अव्यक्त मिलन क्यों देना चाहता है ये अनुभव बाबा हमसे क्यों कराना चाहता है उसके पीछे भी एक बहुत गुहरा राज है और राज ये है कि अंतिम समय जब बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराने वाले हैं तो जो बच्चे स्थूल में रहेंगे क्या वो साक्षात्कार मूरत बन सकेंगे वो कभी नहीं बन सकेंगे इसीलिए अंतिम समय जब अनेक प्रकार के परिस्थितियों के बीच हरेक आत्मा घिरे हुए होंगे ऐसे समय पर उनका सबका ध्यान हे प्रभु अब तू ही कुछ कर तो प्रभु के तरफ ऊपर देखेंगे क्योंकि उनके लिए तो परमात्मा कौन है देवी देवताएं ही है उनको तो भगवान कौन है ये मालूम ही नहीं है तो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले वही देवी देवताएं तो अगर वो देवी देवताएं अभी ही स्थूलता में है व्यक्त भाव में है तो वो परमात्मा साक्षात्कार कराने के निमित्त कैसे बनेंगे इसीलिए बाबा चाहता है कि परमात्मा साक्षात्कार हम सब आत्माओं के द्वारा हो तो वो कब होगा कि जब हम अपनी अव्यक्त स्थिति में होंगे तब परमात्मा प्रत्यक्ष का करने के निमित्त बन सकेंगे और जो निमित्त बनता है निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है वो नंबर वन में चले जाते हैं 108 की माला में जाने का आधार बन जाता है इसीलिए बाबा चाहता है कि बच्चे अभी से ही अव्यक्त स्वरूप के अभ्यासी हो जाए जितना अव्यक्त स्थिति आपकी क्रिएट हो जाएगी तो अंतिम समय आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा जो दुनिया में सभी आत्माएं कहेगी कि हमारा बाबा आ गया हमारा बाबा आ गया तो आपके वो दिव्य स्वरूप के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होगी बाकी अगर हम स्लोगन लगा देंगे जगह जगह भगवान आ चुका है भगवान कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा आप स्लोगन लगा देने से कोई मानने वाला नहीं है क्योंकि वो आपके स्वरूप के द्वारा उस परमात्मा को देखना चाहते हैं। और आपको निमित बनना है हम सबको निमित्त बनना है तो हम सबको निमित्त बनना है तो उसके लिए हमें अपनी स्थिति कैसी बनानी होगी अव्यक्त बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपनी स्थिति अव्यक्त बनानी होगी या नहीं होगी और अभी तक हम ही सेल्फी खींचते रहेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे सोचने की बात है इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसकी बुद्धि रूपी रूपी पांव इस देह धरनी से ऊपर है वही अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत अच्छे से कर सके क्योंकि उनको बाबा की लिफ्ट मिलेगी और वो सहज अव्यक्त वतन में बाबा के साथ अव्यक्त मिलन का जैसे पर्सनल में रू रूहान कर रहे हैं ऐसे अनुभव करेंगे ये बाबा का वायदा है दूसरी बात के व्यक्त भावनाएं व्यर्थ भावनाएं अशुभ भावनाएं उससे भी हमें अपनी बुद्धि को मुक्त रखना होगा और उसके बदले हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुद्ध भावना तो जितनी हमारे पास शुभ भावना विश्व कल्याण की भावना विश्व कल्याण की कामना होगी वसुदेव कुटुम्ब कम की भावना होगी सब अपने हैं, बाबा के बच्चे हैं सब चाहे वो ज्ञान में चल रहे हैं उसने बाबा को पहचाना है नहीं पहचाना है लेकिन जब ये भावना हमारी एक बृहद भावना हो जाएगी तब सहज तहरी अव्यक्त भावनाओं को हम अनुभव कर सकेंगे कैचिंग और टचिंग पावर जो बाबा टच कर रहे हैं उसको कैच करना सहज स्वाभाविक हो जाएगा इसलिए कहा व्यर्थ की भावना लौकिकता की भावना खाली यही मेरे हैं ये नहीं सारा विश्व मेरा है हर आत्मा बाबा का बच्चा है विश्व कल्याण की भावना वसुधे कुटुम्ब कम की भावना शुभ भावना शुद्ध भावना, शुद भावना जब ये हमारी भावना में आ जाएगा तब हम उस अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत सहज कर सकते क्योंकि ये भावना हमारे मानसिकता को ऊपर उठाने वाली होगी अव्यक्त वतन की ओर हमें ले जाने वाली जिसको भी देखे रूप को न देखकर रूह को देखना बहुत सुंदर एक बाबा की मुरली याद आती है कि रूप को ना देखकर रूप को देखने की जो दृष्टि है ये हमें अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत सहज कराएगी अगर हमारी बुद्धि रूपी पांव यही है तो अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं कर सकते तो इसीलिए बाबा की इस धरनी पर आए हैं जहां कितने साल बाबा का अवतरण हुआ है तो बाबा के वाइब्रेशन इस भूमि के अंदर भी समा गए और इसीलिए यहां पर अव्यक्त होना सहज है लेकिन अगर इस भूमि पर हमने व्यक्त का ही वाइब्रेशन प्रवाहित करते रहे तो हम ये भूमि की जो ताकत है उसको कम तो नहीं कर रहे हैं इसीलिए इस भूमि पर आए हैं जब आप वहां से कारोबार आदि सब छोड़ करके आए तो यहाँ आने के बाद भी वहां अगर बुद्धि जाती रही तो आने का फायदा क्या हुआ इसीलिए जब यहाँ आए हैं तो तीन चीजों से बुद्धि को उपराम करो मनुष्य की बुद्धि कहाँ भटकती है मन कहाँ भटकता है तीन चीजों में भटकता है कौन से तीन चीजों में बटकता है पहला संबंधों में बटकता है दूसरा इच्छाओं में बटकता है और तीसरा कोई ना कोई प्रकार के टेंशन का बोझ जो लिया हुआ है उसमें बटकता है तो जब यहां आए हैं सारे संबंध छोड़ करके आए हैं तो यहां एक ही संबंध है हमारा कौन सा मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई यही संबंध में बुद्धि जानी चाहिए बाकी सारे संबंध हम छोड़ करके आए हैं अगर यहां आने के बाद भी बुद्धि उस संबंध में जाती रही तो इस संबंध में कब जुटेगी बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव जो करना चाहते हैं वो कब करेंगे तो वहां जब होते हैं तब तो उन संबंधों के बीच में ही है ना अब जब वहां से छोड़ करके आए हैं, बोल करके आए हैं भाई हम जा रहे हैं बाबा से मिलन करने सबको कह के आए ना घर में फिर यहां आकर के रोज फोन करने की क्या जरूरत होती है जरूरत है क्या ही नहीं इसलिए का मोबाइल स्विच ऑफ कर दो स्विच ऑफ कर दो कि बुद्धि मेरी एक बाबा में मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई दूसरी जो बुद्धि भटकने का आधार है इच्छाएं ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो यहां भी हम देखते हैं कईयों की बुद्धि मार्केट में ही भटक रही है ही नहीं आज देखो प्रैक्टिकल पंद्रह हजार लोग कहाँ हैं कहाँ है पंद्रह कहा हजार लोग मार्केट में बुद्धि भटक रही है ये चाहिए वो चाहिए ये ले जाए पोते के लिए बच्चों के लिए फलाने के लिए इसके लिए उसके लिए तो बुद्धि कहाँ है कहाँ है बुद्धि अरे ये चीजें तो वहां भी मिलती है और फिर भी अगर यहां से ही कुछ ले जाना है तो लास्ट दिन जाने से पहले एक घंटा घूम के आइए आप लास्ट दिन घूम के आइए इसीलिए कहा कि इच्छाओं में बुद्धि भटकती या संबंधों में या इच्छाओं में या कोई ना कोई टेंशन में पता नहीं वहां क्या हुआ होगा ये काम ठीक हो गया होगा नहीं हो गया होगा फलाना टेंशन तो नहीं है फलाना टेंशन तो नहीं है बच्चा संभाल रहा होगा भाई संभाल रहा होगा नहीं संभाल रहा ये फलाना व्यक्ति अब यहाँ आकर करके भी वही बोझ है तो वो बोझ वाली बुद्धि ऊपर उड़ेगी ऊपर उड़ेगी कभी नहीं उड़ेगी इसलिए यहाँ आए हैं तो सारा बोझ क्या करो बाबा को दे दो बाबा अब वहां की बात को मैं याद करने वाला नहीं हूँ तुम संभाल लेना मैं यहाँ आया हूँ बस ये अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए बाबा को बोझ सौंप दो बाबा आप ही संभालेगा फिर बाद में सोचो नहीं पता नहीं बाबा ने किया कि नहीं किया कब तो इसको निश्चय कहेंगे या संशय कहेंगे क्या कहेंगे पता नहीं बाबा को बोझ तो दे दिया लेकिन हुआ या नहीं हुआ चलो पता तो लगाता हूं तो ये बाबा के ऊपर डाउट हुआ या निश्चय हुआ डाउट हुआ या निश्चय हुआ डाउट हुआ ना तो भगवान पर निश्चय बुद्धि है तो बाबा को बोझ सौंप दो और बाबा को सौंप करके आप निश्चिंत हो जाओ बाबा आप पे ही संभालेगा संभालेगा। देखा है कई बार जब लोगों ने भी बाबा को बोझ दे दिया कि हम आबू जा रहे हैं बाबा अब यहाँ का कारोबार आप देख लेना और जब वापस गए तो सब बाबा ने ऐसा ठीक कर दिया होता था जो बात मत पूछो लेकिन बुद्धि बार बार लगाई नहीं फोन तक नहीं किया पूछने के लिए के क्या हो रहा है बाबा तब संभालेगा अगर आप बीच बीच में फोन करते रहेंगे बाबा ने किया कि नहीं किया, किया तो बाबा कहते तुम ही कर लो ले यहाँ बैठे भी तुम ही कर लो तो बाबा क्यों करेगा क्यों करेगा इसीलिए अगर बाबा को सौंप दिया तो आप अपना बुद्धि वहां नहीं चलाओ बाबा के तरफ यहाँ आए हैं तो बाबा के तरफ ही बुद्धि रहे तो इसीलिए ये तीन से बुद्धि को हटा दो और आज कम से कम से एक दिन पूर्व अपने मन को बुद्धि को उपराम करो और यही लक्ष्य रखो कि मुझे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना ही है और यहाँ से अव्यक्त मिलन के अनुभव के खजाने को लेकर जाएंगे तो वहां जाने के बाद ही अनुभव आपको खींचेगा और उस स्थिति में सहज ले जाएगा इसीलिए सहजता का अनुभव अगर करना है इस भूमि पर आए हैं जहां दो बजे से आपने योग किया है और फिर भी अगर बुद्धि कोई ना कोई टेंशन को लेकर के चल रही है निश्चिंत हो जाओ ड्रामा में जो होगा कल्याणकारी ही है कल्याण समाया हुआ है मैंने कल्याणकारी बाप को मेरी जिम्मेवारी दे दी है बाबा कल्याण ही करेगा जो करेगा उसमें तो आप अपनी बुद्धि को नहीं चलाओ तब बाबा अव्यक्त मिलन का अनुभव कल आप बहुत सहजता से करेंगे बाबा चक्कर लगाता है यहां पर जिसकी बुद्धि लाइन क्लियर देखते हैं तो बाबा उनको अनुभव कराता है लेकिन उसके लिए जैसे कहा आज से ही बुद्धि को प्राम कर दो अंतर्मुखी हो जाओ साइलेंस में हो जाओ व्यक्त की बातों से अपने मन को परहेज शिवरात्रि है ना शिवरात्रि में क्या करते उपवास करते हैं ना तो उपवास कर लो आज से मुझे फालतू चिंतन का भोजन अपने मन को नहीं देना है ये उपवास मुझे कम से कम रखना है भक्ति मार्ग में कितनी निष्ठा से उपवास करते थे कितनी निष्ठा से उपवास करते। कोई अगर दे भी दे देने के लिए खाने के लिए तो खाते थे नहीं खाते थे ना पाप समझते थे तो बाबा के घर में शिवरात्रि मनाने आए तो कम से कम 24 घंटे का उपवास तो करें कल शाम तक का तो उपवास करे कौनसी बातों का व्यर्थ चिंतन का उपवास ये उपवास करके देख लो व्यक्त की भावनाओं का उपवास कर लो जब ये उपवास करेंगे तो बहुत शक्ति भी मिलेगी बहुत भगवान के आशीर्वादों को वरदानों को अनुभव करेंगे उपवास करके तो देखो खाली स्थूल का उपवास नहीं ये मन को व्यर्थ की बातों का उपवास दे दो व्यर्थ चिंतन का व्यक्त बातों का उपवास दे करके देखो इसलिए कहा कि आज से मोबाइल स्विच ऑफ और बैग में ऐसा रख दो कि उसको हाथ भी नहीं कहीं फोटो खींचना नहीं है मुझे तब न देह न देधारी न देह की दुनिया न कोई भी दे के पदार्थ मेरी बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकता है प्रलोभन आएगा बातें आएंगी टेस्ट पेपर तो आएगा ही ना परीक्षा पेपर तो आएगा ही ना लेकिन जब ये उपवास रखेंगे तो देखो बाबा कितना सुंदर अनुभव कराता है या नहीं कराता है जरूर कराता है हंड्रेड एंड वन परसेंट कराता है तो इसीलिए आज से ही अपने मन को क्या करो उपवास दिव्य बुद्धि भगवान है बस बाबा की दिव्य शक्ति मेरी बुद्धि के अंदर आए बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में रखते हुए समर्थ बुद्धि बनाए तो समर्थ चिंतन चलेगा और जितना समर्थ चिंतन होगा तो हल्का होकर के ऊपर सहजता से बुद्धि वतन में जाएंगी तो इसीलिए का संगम युग पर सूक्ष्म वतन बाबा ने हमारे लिए क्रिएट किया है ये अनुभव हमने नहीं किया तो बाकी कोई जन्म में तो होने वाला ही नहीं क्योंकि बाकी कोई जन्म में सारे कल्प में सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है जब होता ही नहीं तो ये इतना बड़ा सुंदर गिफ्ट भगवान ने हमें सूक्ष्म वतन का दिया है तो उसका अनुभव अब नहीं किया तो कब करेंगे तो इसीलिए ये बाबा के महावाक्य जो है बस अब अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन अव्यक्त बाप दादा से मुझे करना ही है ये अंदर में दृढ़ संकल्प कर लो देखो कल होगा या नहीं होगा जरूर होगा ठीक है अच्छा ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का एक हाथ की ताली से हम आपका अभिवादन करेंगे आपने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बहुत ही सुंदर गहराई से हम सभी को भरपूर किया